राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर से कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं लंबे वक्त से अटकले यही तेज है कि सचिन पायलट ने आलाकमान को अल्टीमेटम तक दे दिया है पार्टी छोड़ने का क्योंकि देखा जाए तो यहां पर जो वादा उनसे किया गया था उस वादे को पूरा करने का वक्त आया तो बार बार मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए कैसे आगे किया जाएगा मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार फिर से या फिर सचिन पायलट को क्योंकि देखा जाए तो पायलट समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं 2018 में पायलट की अगवाई में चुनाव लड़े गए जीत हासिल की कांग्रेस ने लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और 2020 में क्या कुछ हुआ यह आप बखूबी जानते ही है कि पायलट गुट के बगावती सुर देखने को मिले थे अब देखा जाए तो वही स्थिति फिर से नजर आ रही है क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि क्या यहां पर पायलट से उनकी बातचीत चल रही है क्या वह उनके संपर्क में है तो उन्होंने घुमा फिरा जवाब दिया था जब से सियासत और भी तेज हो गई लेकिन सियासी गलियारों में हलचल अब और तेज इस वजह से हो चुकी है क्योंकि अब पायलट ग्यारह अप्रैल को अनशन पर बैठने वाले हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ यानी कि गहलोत सरकार के खिलाफ वह मोर्चा खोलने जा रहे हैं तो पायलट ने फिलहाल यहाँ पर कई अहम वादे किए हैं उनका कहना साफ तौर पर रहा कि जनता से जो वादे किए गए थे वो पूरे तक नहीं किए गए और दूसरी ही तरफ उन्होंने पत्र भी लिखा है सीएम गहलोत को इसी बीच इस देखा जाए तो यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि जो हनुमान बेनीवाल हैं वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि पायलट नई पार्टी बना लें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में वह खुद को आगे रखें और हम उनका साथ देंगे बीजेपी यहाँ पर साफ कर चुकी है कि पायलट को वह बीजेपी नहीं बुलाना चाहते क्योंकि पायलेट के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे कई नेता हैं उनके खेमे में तो फिलहाल पायलेट जो हैं वो चौतरफा तरीके से घिरते हुए तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पायलेट को मनाने के लिए क्या यहाँ पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आएंगी इसी के बारे में आपको अहम जानकारी देंगे नमस्कार मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ प्रियंका गांधी वाड्रा जो खुद चाहती थी कि पायलट सीएम बने आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में साफ तौर पर कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी चाहते थे कि पायलट ही सीएम बने लेकिन नहीं हो पाया आचार्य प्रमोद कृष्णम भी खुद चाहते हैं और वह ये भी चाहते हैं कि अब यहाँ पर पायलट को वो यहाँ पर वो जिम्मेदारी सौंपने का वक्त आ चुका है आठ महीने का जो वक्त बचा उसमें पायलट को मुख्यमंत्री बनाना था लेकिन नहीं हुआ राष्ट्रीय महासचिव या फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो पायलट ना ही नेशनल लेवल पर नजर आ रहे हैं ना ही पायलट स्टेट लेवल पर नजर आ रहे हैं उनके पास कोई पद भी नहीं है और ऐसे में पायलट बिना किसी पद के 2020 से लेकर अब तक काम कर रहे हैं तो क्या यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो होटल मानेसर पहुंची थी हरियाणा के जब पायलट यहां पर आ, देखा जाए तो आ, अपने गुट के साथ जाकर बैठ गए थे और गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं पर थे तब यहां पर रणनीति बन रही थी तब गहलोत की सरकार गिरने से बचाया था प्रियंका गांधी वाड्रा ने दूसरी ही तरफ जब गहलोत गुट के बाढ़वें विधायकों ने इस्तीफा दिया उसके बाद पायलट ने अपने दुख को जाहिर किया कि जलीला कब तक सहनी पड़ेगी सोनिया गांधी से उन्होंने फोन पर कहा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने साफ तौर पर उन्हें फोन पर नसीहत दी और उनसे वादा किया कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी जाएगी तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से आगे आएंगी यहाँ पर सचिन पायलट को अब सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे करने के लिए इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने हिमाचल में जीत दिलाई तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जिनको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाएगा राहुल गांधी कहते हैं कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी पायलट के पेशेंस की बह तारीफ करते हैं अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्या वाकई में सचिन पायलट के समर्थन में आगे आती हुई जाएंगी या फिर नहीं आखिरी फैसला पायलट पर क्या कुछ होगा यह वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा क्योंकि राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इन तमाम रणनीतियों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है यह आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज